स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोग बनाना सीखे थे HCF, सिर्फ HCF सीखे थे। आज हम लोग एक ही क्वेश्चन में HCF एंड LCM दोनों बनाना सीखेंगे। और आते हैं यहाँ, देखते हैं कि HCF एंड LCM अलजेब्रा का कैसे बनता है। तो क्वेश्चन ये रहा, और हम क्या करेंगे कि पहले इसका फैक्टर लेंगे हम यहाँ। तो 10 का यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, तो 2 यहाँ, तो 2 तो 5 आ जाएगा यहाँ, फिर 5 से 1। उसके बाद ये एक्स क्यू है, यानी और एक्स स्क्वायर है। तो ये पहला जो है पार्ट्स मैं लिख लिया यहाँ। उसके बाद मैंने यहाँ फैक्टर किया, तो 2 इंटू 5 एक्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम, इसलिए क्योंकि इसमें पावर 3 है, और इसको 2 टाइम लिख दिए मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद इस पार्ट को 15 एक्स वाई जेड क्यू 3 इंटू 5 इसका फैक्टर किए 5 1 एक्स वाई जेड इंटू जेड इंटू जेड, इस पे जेड पे पावर 3 है, तो 3 बार मैं इसे लिख लिया HCF। HCF में मैं बताया था कि जो दोनों में मिले, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो मिल रहा है, तो जैसे इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, पर दोनों में 5 है। तो 5 को यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया समझाने के लिए आप लोगों को, तो यहाँ 5 मैं लिख लिया। उसके बाद यहाँ x, तो x को मैंने सर्कल लगाया, x मिल रहा है तो x को मैंने लिख लिया। y यहाँ पे है तो y को मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई में, तो ये y हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy, ये हमारा आंसर हो गया, HCF हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हमें LCM बनाना है, तो LCM कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम फिर से इसी को लेते हैं एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब इसका जो है ना, मैंने इसमें क्या किया था, इसमें ये किया था कि जो मिल रहा था उसको लिखे थे, जो नहीं मिल रहा था उसको छोड़ दिए थे, और इसमें मैंने पूरी तरह से जो है ना इसको फैक्टर कर लिया था। तो LCM में होगा कि जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही 2 इंटू 5 कर लिया, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो है ना हाईएस्ट पावर को रहने देता हूँ, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर लिखा जाता है। तो यहाँ पे y x के पावर 3 को ऐसे छोड़ दिए, y के पावर 2 इसको ऐसे रहने दिए, फिर यहाँ पे वो 15 एक्स वाई जेड क्यू यानी 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्यू। अब LCM यहाँ, LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें पहले जो मिल रहा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या मिल रहा है, या नहीं तो जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिखना है। तो ऐसे करते हैं, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो 2 को लिख लिए, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिखेंगे, 5 दोनों में मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे 5 को नहीं, और यहाँ x दोनों में है, y दोनों में है, और z नहीं है, तो x का हाईएस्ट पावर लिखेंगे, तो x का हाईएस्ट पावर 3 है, मैंने लिख लिया। y का हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर, जेड तो इसमें है ही नहीं, तो जेड नहीं है पर इसमें है, तो जो नहीं मिलता है उसको भी इसमें लिखते हैं, तो यहाँ जेड क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो जाएगा ये, एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड क्यू, ये हमारा